सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। क्या फ्रेंड्स, आपके भी फ़ोन में इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है? अगर आप भी काफ़ी परेशान हो चुके हो अपनी नेट की स्पीड से, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपनी इंटरनेट की स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे सुपर फास्ट बना सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान से समझनी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आ जाने के बाद अब यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेटवर्क वाली सेटिंग पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जिस सिम में भी आप अपना नेट का यूज़ करते हैं, आपको वाला सिम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मेरा पहले वाला। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, अब यहाँ पर आपको मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो सबसे ऊपर वाला ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका टॉप वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट होना चाहिए, या आपका दूसरा तीसरा ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऊपर वाला ही सेलेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम्स, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप आ जाओगे अपनी APN की सेटिंग में। हो सकता है आपको ये APN के नाम से मिल जाए शॉर्टकट में, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है एक्सेस पॉइंट नेम, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर मिलते हैं 3 डॉट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट, यहाँ से इसको रिसेट करना है इस तरह से। नीचे आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो APN है वो रिसेट हो जाएगा। अगर आपके नेटवर्क में या APN में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बैक आना है। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिलता है करियर, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है, ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा हो रहा है, ये आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, और बैग आने के बाद यहाँ पर आपको अपने सिम को एक बार डिसेबल करके फिर से ऑन करना है। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अपने सिम को, और फिर इसके बाद यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ कुछ सेकंड के बाद। फिर यहाँ पर आपको 4 या 5 सेकंड के बाद इसको फिर से ऑन करना है, और ये करने के बाद क्या होगा, आपका जो सिम है वो बंद होकर ऑन हो जाएगा। अगर आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वैसे रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पर मेरा जो इंटरनेट है वो सिम ऑफ करने की वजह से दूसरे सिम पर चला गया है, तो यहाँ से आपको अपना सिम को, यहाँ से आप अपना नेट पहले सिम पे ही कर लीजिएगा जिस पर आप पहले चलाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। अगर ये सारी सेटिंग करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपके फ़ोन में इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो हो सकता है जो सिम आप यूज़ करते हैं उसका नेटवर्क ही आपके एरिया में कमज़ोर हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक कंप्लेन कस्टमर केयर को डालनी होगी। अगर आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो आप अपना सिम चेंज कर सकते हैं, या फिर पोर्ट करवा सकते हैं। जो सिम आपके एरिया में बढ़िया नेटवर्क देता है, आप उस वाले सिम का यूज़ करके अपना नेटवर्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर ये सेटिंग आपकी कुछ भी काम नहीं करती है तो। बस एक यही तरीका है जिससे आप अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हो, वरना दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना।